नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन दोस्तों होता क्या है? कैपिटल गेन का मतलब होता है कैपिटल गेन, मतलब कि कैपिटल एसेट के सेल आउट करने से अगर कोई लाभ हुआ, कोई प्रॉफिट हुआ, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत लगेगा। सिंपल सा है कि कैपिटल एसेट को अगर आप सेल आउट करते हैं, कैपिटल एसेट को सेल आउट करने से अगर आपको कुछ लाभ हो रहा है, कुछ गेन्स हो रहा है, तो वो लाभ या वो गेन टैक्सेबल होगा। वो तो आपका कोई बिजनेस इनकम तो है नहीं, ना सैलरी इनकम है, तो उसको क्या इनकम माना जाएगा? उसको कैपिटल गेन इनकम मान करके टैक्स लगाया जाएगा। और उसका क्या नियम कानून होगा वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसमें भी एक चीज जरूरी है कि वो जो टैक्सेबल कब होगा, वो तब ही टैक्सेबल होगा जबकि उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं लगा हुआ है। सेक्शन 54 के अंदर में कुछ एक एग्जेम्पशन है जो कि उस एसेट कैपिटल गेन के ऊपर दिए गए हैं, जिससे कि टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अगर एग्जेम्पशन नहीं लग रहा है, ठीक है, तब ही वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। सेक्शन 54 ध्यान रखना है, ये इसको भी हम लोग इन डिटेल जैसे जैसे आएगा चैप्टर वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कैपिटल एसेट जनरली क्या होता है आपका? ये होता है जनरली जो होता है वो होता है इमूवेबल एसेट, को जनरली कैपिटल एसेट बोलते हैं। मूवेबल एसेट इसमें काउंट नहीं होता है जनरली। अच्छा, इसमें और एक देखने वाली चीज ये है कि मूवेबल एसेट तो जनरली जो काउंट नहीं होता, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है ज्वेलरी को लेकर के। तो ज्वेलरी होती है जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स आपके गोल्ड के बने हो, सिल्वर के बने हो, प्लेटिनम के बने हो, या कुछ दूसरे मेटल के बने हो, या फिर मूल्यवान स्टोन के बने हो, स्टोन उसमें हो, या वो फर्नीचर से जुड़े हुए हो, या वो कपड़ों में जुड़े हुए हो, कोई भी तरीके का ज्वेलरी वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी जो एक्चुअली इसमें एक एक्सेप्शन है कैपिटल गेन के अंदर में, जिसमें कि बोला गया है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है खुद के चलने के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है, खुद के चलने के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है उसको ये कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं माना जाता। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल होता है वो खुद या अपने फैमिली के रहने के लिए रखता है, लेकिन उसके सेल आउट को भी कैपिटल एसेट माना जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल एरिया में है, गांव में है, तब वो उसका जो ट्रांसफर से अगर कुछ प्रॉफिट या गेन होता है तो वो कैपिटल गेन के अंदर में नहीं आएगा। अर्बन में है अगर एग्रीकल्चर लैंड तो आएगा। अब रूरल में कब माना जाता है कि वो जो लैंड है, वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी में के अंतर्गत आता है, म्यूनिसिपैलिटी उसको बुलाए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसको बुलाए या नोटिफाइड टाउन कमेटी बुलाए, जिस भी नाम से बुलाए, तो उस कमेटी के या उस म्यूनिसिपैलिटी की एरिया में जो पॉपुलेशन है वो अगर 10,000 से नीचे है तो उसको हम लोग रूरल के अंतर्गत मानेंगे और उस एग्रीकल्चर लैंड को रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोल करके हम लोग मानेंगे। तो वो उसका जो अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है, कुछ गेन अगर हो रहा है सेल आउट से, तब वो माफ है, वो कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आएगा, अर्बन वाला ही आएगा। ठीक है, तो मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जानना ये है कि एसेट जो कैपिटल एसेट है वो क्या है, और उसी का ही ट्रांसफर के ऊपर में जो गेन या प्रॉफिट होता है उसी के ऊपर में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अच्छा, इसका एक्सेप्शंस और भी एक है, जैसे कि जो स्टॉक इन ट्रेड होता है, ठीक है, जो स्टॉक इन ट्रेड हो गया,
या जो कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया, जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है प्रोडक्शन वगैरह के लिए, वो सब कैपिटल गेन नहीं माना जाता, क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए होता है, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर में हम लोग मेनली यही सब चीजें पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।